सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि अगर आप डे एंड करना आपका मिस हो गया हो किसी कारण, या आप वोडा रिपोर्ट निकालना रह गया हो, सो आप किस तरह से नेक्स्ट वर्किंग डे में डे एंड को करेंगे एंड वोडा रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। सो जब आप नेक्स्ट डे वर्किंग डे में डे बिगिन कर रहे होंगे और प्रीवियस डे का आपने ना तो डे एंड किया हो और वोडा रिपोर्ट को आपने नहीं जनरेट किया हो, तो डे बिगिन करने पे आपके पास कुछ इस तरह से मैसेज आया होगा, क्लोज द डे ऑफ 27/1/2024। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले तो आप सिंपली क्या करते थे, सेटिंग्स पर जाते थे सिंपली, देन आप जाते थे स्क्रॉल करते हुए जनरल मैनेजमेंट पर, देन इसके बाद आप ओपन करते थे डेट एंड टाइम को, देन आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होता था। बट आप सिंपली अब देख सकते हैं डेट एंड टाइम में ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को आप ना तो ऑन कर पा रहे हैं ना आप ऑफ कर रहे हैं। सो जैसे ही आप ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम पर सेलेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं तो आपके पास सिंपली कुछ मैसेज इस तरह से ओपन होकर आ रहा है, एक्शन नॉट अलाउड। तो ये किस कारण से आ रहा है? क्योंकि ये अनेबल्ड कर दिया गया है एडमिन से। सो आपको अब डेट एंड टाइम पर नहीं आना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको दर्पण में ही सिंपली सबसे पहले तो आपको क्या करना है, IPB की एंट्रीज़ को फिलअप कर लेना है। जैसे कि मैंने 27th की IPB की डेट ऑफ एंट्री को सिलेक्ट कर लिया है, जैसे कि मेरा उस दिन डिपॉजिट कुछ नहीं था और विड्रॉल था 8000, तो मैंने सिंपली वो फिलअप करके सबमिट कर दिया है। देन इसके बाद आप देख सकते हैं वॉलेट अमाउंट, जैसे ही मैं कैश डिटेल पर जा रही हूँ तो यहाँ अभी 29 की डेट आ रही है जो कि रिसेंट डेट है। तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, देख लिया अपनी कैश डिटेल 27 की, तो ये कैश डिटेल मेरी कुछ इस तरह से थी। एक बार आपको चेक कर लेनी है अपनी कैश डिटेल को भी डे एंड को करने से पहले, तो मैंने सिंपली चेक कर ली है जो कि एकदम करेक्ट है। देन आपको क्या करना है, सिंपली बैक आ जाना है इधर से, देन आपको सिंपली परफॉर्म कर देना है डे एंड, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने ना सेटिंग्स पर जाना है, आपने कहीं नहीं जाना है, आपको सिंपली डे एंड करना है, ठीक है। तो डे एंड करने के लिए आपके पास कुछ इस तरह से मैसेज आएगा, डू यू विश टू डू डे एंड फॉर द डेट 27/1/2024, देन आपको क्लिक कर देना है यस पर। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे आपका डे एंड हो जाएगा 27 का, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट IPB की एंट्रीज तो मैंने फिलअप कर ली है, अब मैं जनरेट वोडा पर क्लिक करूँगी, देन सिंपली कन्फर्म पर क्लिक। तो आप देख सकते हैं डेट आपके पास ओपन होकर आ गई है 27/1/2024, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं डेट को। तो आप इस तरह से प्रीवियस डेट का डे एंड को करेंगे और फिर वोडा रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। अब देन आपको सिंपली वोडा रिपोर्ट को जनरेट करने के बाद जैसे ही आप डे बिगिन कर रहे होंगे तो आपका डे बिगिन हो जाएगा। सो आप इस तरह से वोडा रिपोर्ट को जनरेट करेंगे डे एंड को करने के बाद, एंड देन आप डे बिगिन करेंगे जिस भी डेट में आप वर्किंग डे में काम कर रहे हैं। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।